हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे इस क्विज में। तो अगर आपने मिट्टियों का चैप्टर पढ़ रखा है तो आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से जान सकते हैं कि आपने कितना कुछ पढ़ रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच मान 7 जिस मिट्टी का होता है वह कौन सी मिट्टी होती है, यानी पीएच मान 7 जिस मिट्टी का है वह कौन सी है, वो ऊसर मिट्टी होती है। और ऊसर मिट्टी कौन सी होती है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय मिट्टी की उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, यानी अम्लीय मिट्टी अब पीएच मान 7 हो जिस मिट्टी का, तो वो तो होगी ऊसर। और अम्लीय मिट्टी का जो पीएच मान 7 जो होता है 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से इसका कम होता है। और इस ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ नहीं होती है। अम्लीय और क्षारीय दोनों ही उपजाऊ नहीं होती है। इनको उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए रॉक फास्फेट व चूना का प्रयोग किया जाता है, यानी इस मिट्टी में रॉक फास्फेट व चूना मिलाया जाता है जिससे इसको उपजाऊ बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम और गवार के ढेचे के डंठलों को, यानी जिप्सम मिलाया जाता है और गवार और एक और पौधा है ढेचा, उसके डंठलों को खेतों में ही छोड़ दिया जाता है, यानी उससे इस खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको। तो क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, गवार व ढेचा के डंठलों का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है एंसिड एंटीसोल और एरिडोसोल। ये दो मिट्टियां हैं जो सर्वाधिक पाई जाती हैं। एंटीसोल ये शुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, एंटीसोल और एरिडोसोल अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में एंटीसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये आपके जो सीमावर्ती जिले हैं, 4 जिले हैं, उनमें पाई जाती है एंटीसोल मिट्टी। सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इनमें ये मिट्टी पाई जाती है। और अर्धशुष्क की बात की जाए तो एरिडोसोल जो है 8 जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेह और कल्लर किसे कहते हैं, यानी रेह या कल्लर कौन कहलाता है। तो अत्यधिक सिंचाई करने पर मिट्टी के ऊपर जो है सफ़ेद परत दिखाई देने पड़ती है, लग जाती है, उसे कहते हैं रेह, या उसे कलर भी कह देते हैं। यानी अत्यधिक सिंचाई करने पर मिट्टी के ऊपर सफ़ेद परत दिखाई देने लगती है, उसे कहते हैं कलर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, यानी मिट्टी में सर्वाधिक किस उर्वरक के प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है कि मृदा की रेंगती मृत्यु किसे कहते हैं, मृदा की रेंगती मृत्यु किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा उपजाऊ मिट्टी या गोबर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना कहलाता है मृदा की रेंगती मृत्यु। और ये होता कैसे है, अत्यधिक वर्षा होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है उपजाऊ मिट्टी, वो उससे, या फिर पवन से होता है, तो मृदा की रेंगती मृत्यु कहलाता है वो उपजाऊ, या गोबर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना कहलाता है मृदा की रेंगती मृत्यु। संभव किससे होता है, ये अत्यधिक तेज बहाव के कारण, जल के बहाव के कारण और पवनों के कारण। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक कृषि वाली भूमि किस जिले में है, तो ये है आपकी श्रीगंगानगर में। कारण कौन सा है, क्योंकि इसमें गंग नहर व इंदिरा गांधी नहर जैसी सिंचाई के साधन हैं, इसीलिए यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। और इन नहर के कारण ही ये श्री गंगानगर जो है अन्न का कटोरा भी कहलाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि वाली भूमि किस जिले में है, श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया,
मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? 1952 को खोला गया। कहाँ पर? जोधपुर में। नेक्स्ट है कि चादरी अपरदन क्या कहलाता है? चादरी अपरदन क्या है? तो यह है पर्वतीय प्रदेशों में पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव हो जाता है, उसे कहते हैं चादरी अपरदन। यह सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सिरोही में। और दूसरे स्थान पर है राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबवत या अवनाली का अपरदन कहाँ होता है? तो ये चंबल नदी से होता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? ये 1958 को की गई जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लवणता युक्त मिट्टियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कहा जाता है तो इनको मगरा कहा जाता है या थारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? तो मिट्टी में सर्वाधिक किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? तो वो है कौन सी? मटर व दालें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।